जय माता दी। तंत्र विक्षा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो इस वीडियो को देखिए, वरना बाद में देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, तंत्र विक्षा यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, उनके जो कंटेंट होते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट होते हैं, उनको मैं तंत्र विक्षा ब्लॉगस्पॉट पर डाल देता हूँ, ताकि वो साधनाएं यदि आपको पूरी तरह से समझ ना आए, फिर भी आपके पास लिखित तौर पे एक डॉक्यूमेंट रहे। आज जिस साधना की मैं बात करने जा रहा हूँ, पूर्वांचल में इस देवी का बहुत बोलबाला है। पश्चिमी उत्तरी भारत में इनकी पूजा की जाती है, लेकिन वाता फूलमती ही बोला जाता है, लेकिन कुछ उनकी पूजा का प्रारूप और उनका भोग इत्यादि थोड़ा सा बदल जाता है। और पूर्वी इलाके में, पूर्वांचल में, सात बहन देवियों में यह पूजी जाती हैं। ओझा गुणिया लोग इसका बहुत अधिक से इस्तेमाल करते हैं, बहुतायत में यही इस्तेमाल होती है। अधिक भूत विद्या जानने वाले जो लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वो इन्हीं देवी से काम लेते हैं। एक बार इनकी कृपा हो जाने के उपरांत साधक जो है किसी के ऊपर से किसी अला बला को काटना या चढ़ाना सटाना वो सब करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी बहुत देवियां हैं जैसे पूर्वांचल में जिनको मान्य है, जो देवियां घर घर में पूजी जाती हैं, उनमें से सबसे प्रमुख और पहली देवियां हैं माँ शीतला, सातों डाली, माता काली, माता चमरिया, माता पूर्वी, माता कोढ़िन, माता आकाश कामनी, माता पारमेश्वरी और सायर माता। द्योहालिन माता जो है, एक वो भी पूजी जाती हैं। उनके विषय में थोड़ा कम पता है लोगों को। साधक अपनी निष्ठा और श्रद्धा के अनुसार देवी को भोग देते हैं, कुछ तामसिक भोग देते हैं, कुछ सात्विक भोग देते हैं। देवी सब कुछ कबूल कर लेती है, भगवान भाव के वश में होते हैं। बहुत फालतू बड़ा चढ़ा के मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है ऐसा कंटेंट बना देते हैं कि हवा बना देते हैं चीज को, इतना भी कुछ नहीं होता। यह शक्तियाँ, यह ऊर्जाएँ हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहती, जो कि इनके अनुरूप जो साधक आचरण करता है उसके ऊपर इनकी छाया आ जाती है। शक्तियाँ वही होती हैं, क्षेत्रों के हिसाब से इनका नाम बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, इनका भोग जो होता है वो चेंज हो जाता है, थोड़ी सी भाषा और शैली चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ प्रारूप वही रहता है। माता फूलमती भवानी को जो पूजते हैं तो ज़्यादा गुणी लोग पूजा करते हैं, साधारण घरों में इनकी पूजा नहीं होती, खाली वो पूजा करते हैं इनकी जो जिनके घर में ये पूज्यमान है पहले से। अच्छा, जिन लोगों के घर में पहले से पूज्यमान है उनकी तो कुल देवी हो गई, उनको तो पूजना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भाग लें, लेकिन उनके घर में तो पूजा लेंगी ही लेंगी। तो भागना चाहेगा फिर उसको खेदेंगी अच्छी तरह, भगा भगा के छेद देती हैं धर के। मैं एक मंत्र आपको प्रयुक्त करा रहा हूँ यहाँ पे, आप उस मंत्र को ले लेना, उससे साधना यदि करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उजहोती या बाबागिरी भगताई में इस देवी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी आत्मा को बुलाना, उसको काटना छांटना हटाना, उसको हाजिर करना जाहिर करना, ये सब गुण धीरे धीरे किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो विकसित होते हैं, एकदम से कुछ नहीं होता। साधना इनकी नवरात्रि में भी शुरू हो जाती है। अच्छा, करना हो किसी ने तो कोई किसी व्रत विशेष या पर्व के ऊपर कर सकता है, कोई दशहरा हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, इसके ऊपर जो करना चाहे वो कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए एकांत स्थान पर घर के किसी कोने में थोड़ा हटकर, यहाँ पे शोर शराबा ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, वहाँ पे जमीन के ऊपर
लीप पोत के बढ़िया से सवा हाथ का गोल चौका लगेगा जी। उसके अंदर आपको 21 दिए लगाने हैं और छोटे छोटे दिए लेने हैं जिनके अंदर तिल्ली का या सरसों का तेल हो। उन दीपकों के आगे आपने गोबर के कंडे की आग रखनी है, या आप लकड़ी का भी आप रख सकते हैं, कोयला भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा बेस्ट जो रहता है वो गाय के गोबर का उपला रहता है। और जब भी आप भोग सामग्री इत्यादि देवी को प्रदान कर दें वहाँ पे, उसके उपरांत जो अर्घ है अर्घ दे दें, तथा उस समय क्या होना चाहिए, जो आपने गाय के गोबर का जो कंडा जलाया है, उपला जलाया है, उसके ऊपर देसी घी और गुड़, इसकी अग्यारी आपको देनी है, इसकी धूप आपको देनी है। अच्छा, भोग में क्या है, फल फूल पान मिठाई हो गई, इत्र हो गया, सिंगार हो गया, नारियल हो गई, चुनरी हो गई, लपसी हो गई, पूरी हो गई, अड़हुल के फूल हो गए, पांचों मेवा, लौंग, कपूर, जायफल, नींबू, पान के पत्ते, ये सब इनकी पूजा में लगता है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई जानकार व्यक्ति होगा तो वो पकड़ कर लेगा इस चीज़ की कि मैं क्या बोल रहा हूँ उससे, और जो जानकार नहीं होगा भाई, उसको देखो किसी की शरण में जाना होगा, किसी उस्ताद से शिगिर्द बन के सीखना पड़ेगा, तब की उसको इस वीडियो की समझ आएगी। आलतू फालतू आदमी इस वीडियो को समझ नहीं सकता मैं क्या कह रहा हूँ। मंत्र जो है ये आजमाया हुआ है, मैं देना नहीं चाहता था मंत्र, क्योंकि बहुतायत में क्या होता है कि जितनी वीडियो डालता हूँ सबकी कॉपी हो जाती है, अब तो आम सी बात हो गई, अब मैं बोलना ही बंद कर दिया कि कर लो कॉपी, कितना करोगे, मेरे कंटेंट का मुझे पता है ना, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो मुझे पता है मैं कैसे डाल रहा हूँ उसको। ये भी नहीं है कि मैं गलत डाल रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक डालता हूँ, पर बात यह है कि आदमी जब कहीं फंसेगा तो उसे आवश्यकता मेरी ही पड़ेगी, इसलिए आप किसी की विद्या यूज करो, किसी भी आदमी से आप कोई विद्या लो तो प्रॉपर तरीके से उसको जेन्युइनिटी से लेना चाहिए, कॉपी और पेस्ट वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। देखो जी, जिसने अपना समय बर्बाद किया है, जिसने इस चीज़ का एक्सरसाइज किया है, उसको इस चीज़ का पता है कि मैं अपना सामान कैसे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब जिसको नहीं पता, जिसने कॉपी और पेस्ट करना है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल में फेल हो जाएगा। मंत्र मैं आपको एक बार बोलकर बता देता हूँ कि जितनी विधि है वो आपको देखो ब्लॉग स्पॉट, यानी कि आपको ये जो वीडियो आपकी चल रही है, नीचे डिटेल बॉक्स है, उसको खोलेंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको साधना लिखी हुई मिल जाएगी। अनुमति आपको दीक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद मैं अनुमति दूंगा इस चीज़ की। पहले यदा कदा सर्वत्र सबको मैं अनुमति दे देता था, अब अनुमति नहीं है जी, अनुमति सिर्फ उस आदमी को है जो कि दीक्षित होगा। ये खब्बू लाइन है, खब्बू लाइन बहुत खतरनाक होती है। मंत्र सुन लो, मंत्र इस प्रकार है, मैं आधा मंत्र बोल रहा हूँ, आधा आपको मिलेगा ब्लॉगस्पॉट पे। गांव के पश्चिम पिपरा गाछ तापर ठाड़े करो सिंगार, 32 हाथ फूलमती भवानी बांध बांध परगुण बांध बांध भैंसासुर भूत मसाण को बांध, बांधो तो नहीं बांधो गुनिया बांधो डंकनी बांधो सियारी बांधो ब्रह्म पिचास माया तेरी अपार, हे माता हो दयाल आन गुण छुड़ाओ आपन गुण लगाओ, दुहाई ईश्वर भोलेनाथ की। बाकी का मंत्र आपको ब्लॉगस्पॉट पर मिलेगा जी। आपने वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद, ईश्वरी आप पर कृपा करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय माता की।